हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर सा बैंगल का सेट, जो कि लाइट कलर में है और इसके ऊपर हम लोगों ने मोती का काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्लास्टिक के कुछ प्लेन बैंगल्स, फैब्रिक ग्लू, कॉटन का थ्रेड, गोटा, वाइट एक्रेलिक कलर, आप यहाँ पर फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें कुछ चाहिए अलग अलग साइजेस में राउंड शेप के मोती। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग हमारे बैंगल के ऊपर कॉटन के थ्रेड को लपेटेंगे। कॉटन का थ्रेड आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी लपेटें तो हमारा जो थ्रेड है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, यानी कि एक के ऊपर एक नहीं लपेटा आना चाहिए, बिल्कुल सिंगल सिंगल थ्रेड ही आना चाहिए, उससे फिनिशिंग आपकी बहुत अच्छी आएगी। तो ये अभी हम सेंटर वाला बैंगल जो हमारा पिंक या मैजेंटा कलर में हम बना रहे हैं उसको तैयार कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं यहाँ पर तैयार कर चुकी हूँ सेंटर वाला पिंक कलर में, और साइड वाले हमारे जो बैंगल्स हैं उनको मैंने लाइट ग्रीन कलर में थ्रेड लपेटा है। तो अब हम सबसे पहले हमारे सेंटर वाले बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। इस वर्क को करने के लिए हमें राउंड शेप के ही तीन साइज के मोतियों को लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मोती हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हाफ कट में है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हाफ कट में मोती है, ये एक राउंड शेप का मोती नहीं है। ये हाफ कट के मोती इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, तो इनको हमें यूज़ करना है। तो हम रैंडमली कहीं पर भी एक फैब्रिक ग्लू लगाकर राउंड शेप में, और जो सबसे बड़ा वाला साइज़ का हमारा मोती है उसको सेंटर में लगाएंगे, और उससे छोटे साइज़ वाला जो मोती हमारे पास अवेलेबल है उसको हम इस तरह से साइड में लगाएंगे। मतलब बेसिकली हम लोग एक इस तरह से फ्लावर क्रिएट करेंगे, सेंटर में एक बड़ा वाला मोती और साइड में थोड़े छोटे वाले मोती लगाकर। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से शायद यहाँ विजिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फैब्रिक ग्लू लगा है वो भी वाइट है और मोती भी वाइट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हम दोबारा से एक फ्लावर बनाएंगे सेम इसी तरीके से। पहले सेंटर में एक बड़ा वाला मोती और साइड में हम इस तरह से छोटे छोटे वाले मोती हम लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारे मोती लग गए हैं। और अब हम इन दोनों का सेंटर लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे का देख के और उसका सेंटर पार्ट लेके यहाँ पर भी हम एक फ्लावर बनाएंगे। सेम वैसे ही सेंटर में बड़ा मोती और साइड में छोटे छोटे मोती लगाएंगे। ये देखिए, और फिर सेम उसी तरीके से बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम एक ये लास्ट अपना फोर्थ बड़ा वाला फ्लावर बनाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से सेंटर में बड़ा वाला मोती होगा और साइड में हमारे छोटे वाले मोती होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चारों फ्लावर्स अब बिल्कुल रेडी हैं। जब ये ड्राई हो जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक लुक देंगे। अब फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, दो जो हमारा बीच का स्पेस है उसमें हम दो राउंड शेप में इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, और जो हमारे सबसे छोटे साइज के आप देख पा रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे से ये मोती हैं, इनको हम लोग यहाँ पर सेम इसी तरीके से, यहाँ पर हम बड़ा मोती यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेम साइज़ के ही मोती हैं, और उनको हम इस तरीके से पहले सेंटर में एक मोती लगाया और फिर साइड में उसको कवर कर दिया, तो एक फ्लावर शेप हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी दो फ्लावर बनाएंगे। ये देखिए, तो ये इस तरीके से हमारे टू फ्लावर बन गए, और फिर इधर दोनों साइड में हम लोग तीन तीन मोती लगाएंगे, वो भी सबसे छोटे साइज वाले। ये डिज़ाइन मे बी आपको बहुत ज़्यादा विजिबल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके का है, लेकिन जब आप मेरा जो बिल्कुल कंप्लीट वाला जब आप सेट देखेंगे तो उसमें आपको डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई हो चुके हैं। तो
तो आप यहाँ पर तीन तीन मोती लगाएंगे। सेम इसी तरीके से जो यहाँ पर स्पेस हमारा बचता है वहाँ पर भी हम लोग तीन तीन मोतियों का एक सेट बनाएंगे, जैसे कि एक बर्ड हम बना देते हैं फ्लावर की, ठीक उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर हमारे पूरे बैंगल को बिल्कुल इसी तरीके से कवर करेंगे, यानी कि जो हमारा ये सेंटर का स्पेस है यहाँ पर हम लोग दो फ्लावर बनाएंगे और फिर साइडों साइडों में हम लोग दो दो तीन तीन मोतियों के छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे। फ्रेंड्स आपको मेरे डिज़ाइंस कैसे लग रहे हैं और कलर कॉम्बिनेशंस कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सेट परचेज करना है या फिर आप लोगों को DIY किट परचेज करनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों ने छोटे छोटे से फ्लावर बना लिए हैं, सबसे छोटे साइज़ के हमारे पास मोती हैं। और अब हम साइडों में तीन तीन जो मोती हैं उनके छोटे छोटे से फ्लावर्स भी बनाएंगे। ये देखिए इनको आप धीरे धीरे जैसे आपने लगा दिया ग्लू के ऊपर फिर आप उनको अपनी फिंगर से शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम तीन तीन मोती लगाएंगे। अब हम सेम ऐसे ही जैसे हमने पहले फ्लावर्स बनाए हैं बिल्कुल उसी तरीके से दो दो फ्लावर सेंटर में बनाएंगे और साइड में हम लोग ये इस तरीके से तीन तीन मोती के फ्लावर्स बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी इशू आ रहा है बैंगल बनाने में या फिर डिज़ाइनिंग करने में तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स जैसे मैं यहाँ पर जो बैंगल्स बना रही हूँ वो प्लास्टिक के बैंगल के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं, और अगर किसी को अपने ओन पर ग्लास बैंगल के ऊपर बनाना है तो हम ग्लास बैंगल के ऊपर भी बना सकते हैं, बट वो थोड़े से ड्यूरेबल कम होते हैं। जैसे सपोज़ हाथ से स्लिपों के नीचे गिर गया तो फिर वो ब्रेक हो जाएगा, तो उसका थोड़ा से चांसेस रहते हैं, इसीलिए हम लोग इन बैंगल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज़ जैसे किसी के पास कांच के बैंगल्स रखे हुए हैं ऑलरेडी और वो उनको रीयूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर कांच के बैंगल्स को एक दूसरे के साथ चिपका के उनको आप छोटा बड़ा करके यानी कि मोटा पतला करके और उसके ऊपर भी आप थ्रेड लपेट के इसी तरीके से वर्क कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर हमारा ये लास्ट स्पेस बचता है, यहाँ पर भी हम सेम उसी तरीके से वर्क करेंगे। और फ्रेंड्स वैसे मार्केट में सिल्क के जो थ्रेड आते हैं जिनसे हम एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं उनका भी बैंगल्स मार्केट में बनते हैं बहुत ही, और बहुत पॉपुलर भी हैं सिल्क थ्रेड के बैंगल्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक तो ड्यूरेबिलिटी कम रहती है और उनके कलर भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं रहते हैं, उनके कलर्स भी निकल जाते हैं और थोड़ा सा उनमें स्ट्रेंथ कम होती है जो धागा होता है उसमें। और ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये कॉटन का थ्रेड है, इनके कलर भी फास्ट होते हैं और ये जल्दी से टूटता भी नहीं है थ्रेड। तो वैसे वो सब सबका अपना अपना चॉइस है, क्योंकि कॉटन के थ्रेड में शाइन कम होती है और जो सिल्क थ्रेड आता है उसमें शाइनिंग बहुत अच्छी होती है। लीजिए फ्रेंड्स हमारा वर्क ऑलमोस्ट डन हो गया है हमारे सेंटर वाले बैंगल का, ये दो फ्लावर हम लोगों ने बना दिए हैं और अब ये तीन तीन मोतियों के दो फ्लावर और हम लोगों को बनाने हैं और उसके बाद हमारा सेंटर वाला जो हमारा बैंगल है उसका वर्क फिनिश हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद हम लोग इस पर एक्रेलिक कलर का पेंट भी करेंगे, तो वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स हमारा जो सबसे छोटा साइज़ वाला बैंगल है जिसको हमने ग्रीन कलर में लपेटा है थ्रेड से, अब हम उसके ऊपर गोटा लगाएंगे। गोटा यहाँ पर मैं सिल्वर कलर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों का जो मोती है वो भी सिल्वर कलर में है, वाइट कलर में है सॉरी, तो हम लोग सिल्वर कलर के गोटे से ही वर्क करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर वर्क करने के लिए आप लोगों ने जैसे अभी देखा मैं नीचे ग्लू लगा रही हूँ और ऊपर से फिर इस तरीके से ट्विस्ट करके, जहाँ इस टाइप का वर्क मैंने पहले बैंगल्स में भी यूज़ किया था बट ये वर्क बहुत अच्छा लगता है, तो हम ऊपर से गोटा को ट्विस्ट करके इस तरीके से लपेटते चले जाएंगे। बीच में हम गैप नहीं दे रहे हैं, जो हम ट्विस्ट कर रहे हैं उससे ऑलरेडी थोड़ा सा गैप हमारा क्रिएट हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से हम हमारे ये दोनों बैंगल को कवर कर लेंगे, दो बैंगल्स मेरे पास ऑलरेडी तैयार हैं।
तो इस तरह से हमारे पूरे सेट के लिए चार बैंगल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम उसको ट्विस्ट कर करके पूरे बैंगल के ऊपर गोटे को लगा लेंगे। फ्रेंड्स, नीचे ग्लू लगाना काफ़ी ज़रूरी है। नीचे अगर ग्लू रहेगा तो हमारा जो गोटा है वो खिसकेगा नहीं और कभी उतरेगा भी नहीं। ऊपर हम लोग ग्लू इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हम ट्विस्ट दे रहे हैं, तो वन पॉइंट लगाएंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम नीचे पूरे में ही ग्लू लगाकर थोड़ा थोड़ा एरिया में हम ग्लू लगाते जाएंगे और उसके बाद हम गोटा लपेटते जाएंगे तो हमारा गोटा बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बैंगल्स ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है ये वाला, और ये हमारा एक और ट्विस्ट आएगा और हमारा बैंगल ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको सीजर्स से कट कर लेंगे एक्स्ट्रा को और इस तरह से ग्लू लगा के इसको हम चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, गोटे को थोड़ा सा टाइम लगता है चिपकने में। अगर नीचे कॉटन का थ्रेड है तो वो ईजिली चिपक जाता है, लेकिन अगर गोटे के ऊपर गोटा अगर आ जाता है तो थोड़ा सा मतलब कुछ एक दो मिनट वो लेता है चिपकने में। तो आपको उसको इस तरह से पकड़ के रखना होता है। मे बी आप जो क्लोथ को सुखाने में जो वो क्लिप्स आते हैं उनको भी लगा के रख सकते हैं या उसको पकड़ के बैठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीन बैंगल्स ऑलरेडी तैयार हैं और मैं फोर्थ को भी जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने चारों बैंगल्स को तैयार कर लिया है और अब हम ये साइड वाले जो हमारे बैंगल हैं मीडियम साइज़ वाले, उनको हम तैयार करेंगे। इनको तैयार करने के लिए फ्रेंड्स, आपके पास जितने भी साइज़ के मोती अवेलेबल हैं, छोटे बड़े, सबसे छोटा, मतलब कोई भी साइज़ हो, कोई भी साइज़ का अगर हमारे पास मोती है तो हम उसको रैंडमली प्लेस करेंगे। रैंडमली मतलब कि आप कहीं पर भी, कभी छोटा कभी बड़ा वाला, अपने अकॉर्डिंग, मतलब कभी भी जो भी आपके हाथ में आए मोती उसको इस तरीके से पूरे के पूरे बैंगल के ऊपर हम लोगों को ये लगाना है। आप कितने भी मोतियों को पास पास लगा लेंगे लेकिन बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप फिर भी मोतियों के बीच में रहेगा। अभी तो हम फैब्रिक ग्लू लगा रहे हैं तो इसलिए आपको सारा वाइट दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही हमारा फैब्रिक ग्लू ड्राई हो जाएगा वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और फिर बीच बीच के गैप में से जो हमारा ग्रीन कलर है वो विजिबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें हमारे दोनों बैंगल को तैयार करना है। जो भी आपको, लेकिन आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि जो बड़े बड़े मोती हैं वो आपको पहले अगर हाथ में आ रहे हैं तो आप बस उनको चिपका दें और बाद में छोटे छोटे लगा लें। नहीं, हमें थोड़ा सा वाइसली भी उनको प्लेस करना है कि थोड़े थोड़े गैप के बाद हमें बड़े वाले मोती लगाने हैं और फिर बीच बीच में हमें छोटे वाले मोती भी प्लेस करने हैं। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी ही होगी कि एक जैसे साइज़ का मोती एक जगह पर काफ़ी देर तक ना आए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा गैप के बाद अलग अलग साइज़ के मोती इस तरीके से प्लेस करें कि वो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। तो इसी तरीके से हम हमारे पूरे बैंगल को कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स थोड़े थोड़े से पैचेस के बाद, जैसे आपने थोड़ा सा पैच कंप्लीट कर लिया, फिर दोबारा जब थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा एक छोटे से पैच में आपने फैब्रिक ग्लू लगा दिया, तो थोड़े थोड़े पैच में हम लोग ग्लू लगाने के बाद इस तरह से मोतियों को लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग पूरे बैंगल पर एक साथ ग्लू लगा दें और फिर उसके बाद हम मोतियों को लगाएँ, क्योंकि इन बिटवीन आपका जो ग्लू है वो ड्राई हो जाएगा, तो आपको मोतियों को चिपकाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो छोटे छोटे से पैचेस में हम लोग ग्लू लगाकर और फिर अपने मोतियों को लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा थोड़ा सा ही एरिया रह गया है जहाँ पर हमें मोती लगाना है, तो मैंने पूरे एरिया में ग्लू को अब लगा दिया है और अब हम उसके ऊपर मोतियों को लगाएंगे। ये अभी ड्राई नहीं है, वाइट है फैब्रिक ग्लू, इसलिए आपको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपको ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये बैंगल अब बिल्कुल तैयार हो गया है और इसी तरीके से हमें हमारा ये सेकंड बैंगल भी तैयार करना है। दो बैंगल्स मैं ऑलरेडी तैयार कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए ड्राई होने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैं जल्दी से हमारा लास्ट वाला बैंगल भी तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरे चारों बैंगल अब तैयार हैं। फ्रेंड्स अब हम हमारे जो सेंटर वाले बैंगल्स हैं उनके ऊपर हम लोग अब एक्रेलिक कलर कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पर फैब्रिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग ऑफ वाइट, येलो या जो भी आपका चॉइस का कलर हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ करना क्या है, जो जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं उन सभी फ्लावर्स को एक दूसरे के साथ अटैच करना है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पर हमने बड़ा फ्लावर बनाया है तो बड़े और सेंटर वाले बड़े फ्लावर और साइड वाले छोटे फ्लावर्स को सिर्फ हम इस तरीके से लाइंस के थ्रू अटैच कर लेंगे। तो ये मैं बहुत ही बारीक ब्रश के साथ ये हम लोग वर्क कर रहे हैं पेंटिंग वाला, तो आप लोग भी फिनिशिंग का ध्यान रखें और इसी तरीके से बस ऐसे पेंट करना है हम लोगों को। जब ये हमारा पेंट ड्राई हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि पेंट अच्छे से नहीं आया है, तो आप लोग दो या तीन लेयर्स में भी इन कलर्स को कर सकते हैं। जैसे अभी हमने फर्स्ट लेयर किया और अगर ये ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद आपको लग रहा है कि कलर लाइट हो रहा है, तो आप लोग उसके ऊपर एक लेयर और लगा सकते हैं कलर्स की। देखिए फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर बिल्कुल ओके आया है कलर और ये मेरा तैयार हो गया है। अब हमारे सारे बैंगल्स तैयार हैं फ्रेंड्स, अब हम हमारे सेट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा हाफ सेट रेडी है और अब हम हमारा इस तरीके से ये दोनों सेट हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।